मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर द बैगर, इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखें और अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। एडवोकेट सरगई इज डिटेन्ड। एडवोकेट सरगई वॉज डिटेन्ड बाई ए बैगर वन डे। द बैगर वॉज क्राइंग टू हैव पिटी ऑन हिम। ही सेड दैट ही हैड नथिंग टू ईट। ही हैड बीन ए स्कूल टीचर फॉर 8 ईयर्स बट ही लॉस्ट द प्लेस। वकील सरगई को रोका जाता है। एक दिन एक भिखारी वकील सरगई को रोक लेता है। भिखारी चिल्ला रहा था कि उस पर दया की जाए। वह कह रहा था कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है। वह पिछले 8 वर्ष से स्कूल में अध्यापक था, परंतु उसने अपनी जगह खो दी है। द बैगर इज डिस्क्राइब्ड। द बैगर वॉज इन रैक्स। ही हैड डल एंड ड्रंकन आईज। ही हैड द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक्स। ही वोर वन हाई एंड वन लो शू। भिखारी फटे हुए चीथड़े वाले कपड़ों में था। उसकी आंखें सुस्त और शराबी थीं। उसके दोनों गालों पर लाल निशान थे और उसने एक ऊंचा और एक नीचे जूता पहन रखा था। सरगई रिकॉग्नाइजेज द बैगर। सरगई रिकॉग्नाइज्ड द बैगर। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड मेट हिम इन सदोबिया स्ट्रीट। Then he had called himself a student. Sergei warned him that he would send for the police. The beggar admitted and told the truth. सरजई के द्वारा भिखारी को पहचानना। सरजई ने भिखारी को पहचान लिया। उसने उसे बताया कि उसे वह कल सदोपिया स्ट्रीट में मिला था, जहां उसने स्वयं को एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट कहा था। सरजई ने उसको धमकाया कि वह पुलिस को बुला लेगा। भिखारी मान गया और उसने सारी सच्चाई सरजई को बता दी। सरजई पुट्स हिम टू वर्क। द बैगर आस्क्ड सरजई फॉर वर्क। सरजई आस्क्ड द बैगर टू चॉप वुड फॉर हिम व्हेन ही आस्क्ड फॉर वर्क। द बैगर एग्रीड टू डू द वर्क दो अनविलिंगली। द बैगर वॉज टेकन बाई सरजई सर्वेंट ओल्गा टू द शेड। ही हैड टू चॉप वुड देयर। सरजई कुड सी ओल्गा एंड द बैगर इन द शेड। सरजई द्वारा उसे काम पर लगाना। भिखारी ने सरजई से कुछ काम के लिए कहा। तब सरजई ने भिखारी को उसके लिए लकड़ी चॉप करने का फाड़ने का काम करने के लिए कहा। भिखारी न चाहते हुए भी काम करने के लिए तैयार हो गया। सरजई की रसोईया ओल्गा भिखारी को सरजई के उस शेड में ले गई जहां उसे लकड़ियां फाड़नी थीं। सरजई ओल्गा और भिखारी दोनों को शेड में देख सकता था। सरजी डाइनिंग हॉल में बैठा था जहां से वह उन दोनों को देख सकता था। द बैगर रेडीज फॉर वर्क। ओल्गा गेव द बैगर एन एक्स बट सीविंग द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस सी स्कॉल्डेड हिम। द बैगर पुट ए बेलीट ऑफ वुड बिटवीन हिज फीट देन ही स्ट्रक इट फ्यूली विद हिज एक्स। द बिलेट फॉल डाउन। मीन वाइल सरजई वेंट अवे। ही हैड सैट एट ड्रंकन एंड स्पॉइल्ड पेन एट वर्क इन द कोल्ड। ही बिगेन टू फील सॉरी फॉर इट। भिखारी काम करने के लिए तैयार हो गया। ओल्गा ने उस भिखारी को एक कुल्हाड़ी दी, परंतु उसके चेहरे को देखकर उसने उसे डांटा फटकारा। भिखारी ने लकड़ी के उस टुकड़े को अपने पैरों के बीच में रखा और अपनी कुल्हाड़ी से इस पर एक हल्का सा चोट किया। टुकड़ा गिर गया। इसी बीच सरजई चला गया।
उसने एक बिगड़े हुए और शराबी व्यक्ति को ठंड में काम करने के लिए लगाया था, इस बात पर उसे थोड़ा सा दुख था। द बेगर इज गिवन वेरियस काइंड ऑफ वर्क। सर्जेई फाउंड वर्क फॉर द बेगर। द बेगर वुड कट द वुड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ही वुड ऑल्सो सोड स्नो। ही वुड बीट डस्ट आउट ऑफ हर द रॉक्स एंड मैट्रेसेस। ही वुड पुट द वुड सेड इन ऑर्डर। सर्जेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस। द बेगर पैक्ड एंड कैरीड द फर्नीचर। सर्जेई उस भिखारी को अलग अलग काम देते हैं। सर्जेई ने भिखारी के लिए काम ढूंढ लिया। भिखारी हर एक महीने पहली तारीख को लकड़ी फाड़ता, वह बर्फ हटाने का काम करता, गद्दे रजाइयों की धूल भी झाड़ने का काम करता और लकड़ी के शेड को ठीक करता। सर्जेई जब दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तो भिखारी से उसने फर्नीचर को पैक करवाया और उसे उठवाकर दूसरे घर में ले गया। लस्कोफ द बेगर ऑफर्ड अदर एम्प्लॉयमेंट। लस्कोफ द बेगर वॉज नाउ ऑफर्ड अदर एम्प्लॉयमेंट। सर्जेई आस्क्ड हिम टू गो टू हिज फ्रेंड। देयर ही वुड बी गिवन सम कॉपिंग वर्क एज ही कुड राइट। सर्जेई वॉज हैप्पी एज ही हैड पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ। भिखारी लस्कोफ को अब दूसरा काम दिया जाता है। सर्जेई ने उसे उसके एक मित्र के पास जाने के लिए कहा। वहां पर उसे कॉपी करने का, नकल करने का कुछ काम दे दिया जाएगा क्योंकि वह लिख सकता है। सर्जेई को खुशी थी कि उसने एक व्यक्ति को ठीक रास्ते पर डाल दिया। सर्जेई एंड लस्कोफ मीट आफ्टर 2 years. 2 years went by. One evening, सर्जेई वॉज स्टैंडिंग एट अ टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर। ही वॉज पेइंग फॉर हिज सीट। ही सॉ अ लिटिल मैन बिसाइड हिम। That man wore a curly fur and a round silken cap. सर्जेई recognized him. He asked him how he was. सर्जेई और लस्कोफ लगभग 2 वर्ष बाद एक भेंट करते हैं। 2 वर्ष बीत गए। एक शाम सर्जेई एक थिएटर की टिकट लेने के लिए खिड़की पर खड़ा हुआ था। वह अपनी सीट के लिए पैसे दे रहा था और उसने अपने बराबर में ही एक छोटे से व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति फर का, एक घुंघराले फर का और सील की खाल का घिसी हुई टोपी पहने हुए था। सर्जेई ने उसे पहचान लिया। उसने पूछा कि क्या हाल है। लस्कोफ टेल अबाउट हिमसेल्फ। लस्कोफ टोल्ड सर्जेई दैट ही वॉज ए नियरली नोटरी देन। He was paid 35 ruble a month. Sergei was very pleased to hear him. Lascov thanked Sergei for what he had done for him. He told Sergei that if he had not helped him, he would have sit still being telling lies. He thanked Sergei and Olga, the cook. He told Sergei that Olga had actually saved him. Lascov अपने बारे में बताता है। लस्कोफ ने सर्जेई को बताया कि अब वह एक नोटरी था। उसे हर महीने 35 रूबल मिलते थे। सर्जेई को यह सुनकर काफी खुशी हुई। लस्कोफ ने सर्जेई का जो कुछ उसने उसके लिए किया उसका धन्यवाद दिया। उसने सर्जेई को बताया कि यदि वह उसकी सहायता नहीं करता तो वह अब भी झूठ बोलता रहता। उसने सर्जेई और रसोईया ओल्गा का भी धन्यवाद किया। उसने सर्जेई को बताया कि ओल्गा ही वास्तव में वह थी जिसने उसे वास्तव में बचा लिया। लस्कोफ टेल्स मोर अबाउट ओल्गा द कुक। लस्कोफ टोल्ड सर्जेई दैट ओल्गा वुड रिवेक हिम। देन सी वुड सिट अपोजिट टू हिम एंड बीप। सी वुड कॉल हिम वेरियस नेम्स। सी वुड ग्रो एंड सैड ऑल्सो। Then she would chop the wood for him. He amazed Sarjai by saying that he didn't chop a single stick of wood for him. Due to Olga's action, there came a change in his heart. He was set right by Olga and he wouldn't forget her. He told Sarjai that it was time for the bell and he departed to the gallery.
लस्कोप रसोईया ओल्गा के बारे में और अधिक बताता है। लस्कोप ने सर्जेई को बताया कि ओल्गा उसे डांटती फटकारती, तब वह उसके सामने बैठ जाती और रोती, उसे कई तरह की रिव्यू गाली भी देती, वह उदास हो जाती थी। फिर वह उसके लिए लकड़ियां फाड़ती और उसने मिस लस्कोफ ने सर्जेई को यह कहकर सरप्राइज कर दिया कि उसने उसके लिए लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं फाड़ा था। ओल्गा के कार्य के कारण ही उसके दिल में परिवर्तन आ गया। उसे ओल्गा ने ही ठीक किया और वह उसे कभी नहीं भूलेगा। उसने सर्जेई को बताया कि अब घंटी बज गई थी और वह गैलरी की तरफ चला गया। नाउ द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर। हैज लस्कोप बिकम ए बेगर बाई सर्कमस्टांसिस और बाई चॉइस? लस्कोप वॉज अ मिडिल एज मैन एंड बिलोंग टू द रशियन कॉयर। ही वॉज नॉट ए बॉर्न बेगर, ही वॉज सॉक्ड फ्रॉम द कॉयर बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। ही बिकम ए बेगर बाई चॉइस एज ही डिडंट लाइक टू वर्क हार्ड एट द स्टेज। What reason does he give to Sergei for his telling lies? Lascov told the truth and accepted that he was a liar. Formerly, he used to be a singer. He told lies to seek the favor of others. If he had spoken the truth, none would help him. So he decided to tell lies. Is Lascov a billing worker? Why? Then does he agree to chop wood for Sergei? No. He was not a billing worker. He was to be to work. He had lost his strength and stamina due to overdrinking. And secondly, he was a middle-aged man. He agreed to chop wood because of pride and shame. And he had been trapped by his own words, so he had no other way but to accept Sergei's offer. Sergei says, I am happy that my words have taken effect. Why does he say so? Is he right in saying so? Sergei looked satisfied with the performance of the beggar and felt happy. When Lascov's job of packing and hauling of the furniture was over, he praised him while handling him a ruble. But he was not right in saying so because Lascov had not developed the habit of working hard. He was still an idle fellow. Where abhi alsi tha. Lascov is earning 35 ruble a month. How is he obliged to Sergei for this? Sergei played very important role in improving the condition of the beggar. It was because of Sergei that Lascov could earn 35 ruble a month. He offered him the job to chop wood at his home. Later on, he sent him to one of his friends to do the job of copying. Lascov was highly obliged to Sergei because now he was a notary because of him. During their conversation, Lascov reveals that Sergei's cook, Olga, is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lascov? Olga was a social and sympathetic lady. She loved humanity. She realized that the condition of Lascov and tried her best to improve the same. She did the work of his part as she wanted to change him. She kept criticizing him in order to improve him. He realized her feeling towards him and a change took place in his heart. So Olga was responsible for the positive change in him. How can we help beggar abolish begging? High order thinking question hai. The whole world is facing the nuisance of begging. The number of beggars is increasing day by day. Beggars can be seen at all public places.
Some of the beggars have made it a business. It has become a serious problem. Our society and the government should take necessary steps to solve this problem. Global spread of education is required. Our government should pass a strict law against begging. Beggars should be given an opportunity to work. Financial support can be provided to them in order to set up some work. Beggars may be turned into skilled laborers. The government should set up beggars' home only for the handicapped. Begging is a bad practice and is an impediment in the way of progress. So, we should discourage beggars. What was the cause of Pinakor? Thanks you for watching this video. Have a nice day.